हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 नवंबर। 11 नवंबर के करंट अफेयर्स में है बहुत कुछ खास। शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मलेशिया? तो आपको बता दें, सही आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। जब इंडोनेशिया की बात आई है तो इंडोनेशिया के बारे में आप जान लें। इंडोनेशिया की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है जकार्ता और राष्ट्रपति है जोको विडोडो, जबकि उपराष्ट्रपति है यूसुफ काला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टीएन सेशन का निधन को हुआ, वह 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। टीएन सेशन का निधन कब हुआ? 10 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019, 11 नवंबर 2019 या 8 नवंबर 2019? तो सही आंसर है 10 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध चुनाव आयुक्त टीएन सेशन का निधन उनके घर पे हो गया। रात 9:30 बजे चेन्नई में उनका घर है, वहां पे उनका निधन हुआ है। और टीएन सेशन का पूरा नाम है तिरुनेल्लई नारायण अय्यर सेशन, ये उनका पूरा नाम था। और आपको बता दें, वे 1955 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। 1996 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था। और उन्होंने 1997 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह केआर नारायणन के हाथों हार गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किस देश ने शून्य कार्बन कानून का लक्ष्य बनाया है? खाली स्थान है भारत ने, न्यूजीलैंड ने, कनाडा ने या चीन ने? शून्य कार्बन का अर्थ है कि जहां जीरो मात्रा में कार्बन उत्सर्जित किया जाएगा। तो आपको बता दें, हाल ही में न्यूजीलैंड ने अपने देश में कानून बनाया है और न्यूजीलैंड ने जीरो कार्बन बिल पारित किया है। इस नाम से जीरो कार्बन यानी कि शून्य कार्बन के नाम से बिल पारित किया है और 2050 तक इसका उद्देश्य है कि कार्बन का उत्सर्जन जीरो कर देना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, इससे पहले आप लोग थोड़ा सा जान लो, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, सम्राट है वहां की एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल है पाटी रेड्डी और प्रधानमंत्री है जेकिंडा आर्डन और मुद्रा वहां चलती है न्यूजीलैंड का डॉलर। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है कब? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर या 7 नवंबर? तो सही आंसर है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। नवनीता देवसेन का संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता, लेखक, फिल्मकार, राजनीति? हाल ही में नवनीता देवसेन की मृत्यु हुई है और वह एक लेखिका थी, बांग्ला भाषा की लेखिका थी। बांग्ला भाषा में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और क्या 81 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार कैंसर से उनका निधन हो गया। उन्होंने करीब 80 से अधिक किताबें लिखी थी और उनकी किताबों का कई भाषा में अनुवाद भी हुआ था, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, उड़िया, असमिया, फ्रेंच, जर्मन और भी कई भाषाएं वह जानती थी। 13 जनवरी 1938 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था नरेंद्रनाथ देव और माता का नाम था राधा रानी देवी। उनके माता पिता दोनों ही कवि थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। फार मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जियो, टाटा, इंफोसिस या बजाज अलायंस? तो प्रसिद्ध बीमा कंपनी बजाज अलायंस ने इस ऐप को किसानों के लिए लॉन्च किया है ताकि किसानों के विभिन्न प्रकार की जरूरतों की पूर्ति की जा सके। इस ऐप के माध्यम से किसानों को न सिर्फ बीमा से संबंधित समाधान प्राप्त होंगे बल्कि और भी कई सूचनाएं और सलाह मिलती रहेंगी। सातवां प्रश्न है, G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या इस्लामाबाद में?
तो सही आंसर है टोक्यो में G20 की छठी बैठक होने वाली है। G20 है क्या 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सिंजो आबे और ये जो है संस्थापक है सात का समूह, सात लोगों का ग्रुप जो है ये संस्थापक है। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ओली की उपाधि दी गई? पीवी सिंधु, दुति चंद्र, मेरी कॉम, सानिया मिर्जा। तो ओली की उपाधि मिली है मेरी कॉम को, जो प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। अगले पे चलते हैं। द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र या पंजाब? तो आपको बता दें द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 ने एक रिपोर्ट निकाला है जिसके अनुसार न्याय की दर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में न्याय की दर सबसे ज्यादा है और सबसे कम है उत्तर प्रदेश में। अगले 10वें प्रश्न पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला क्या किस चीज का मेला है? पशु मेला है, पक्षी मेला है, छठ मेला है या इनमें से कोई नहीं? तो सोनपुर मेला प्रसिद्ध है पशु मेला के रूप में। 10 नवंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और यह 32 दिनों तक चलेगा। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये थे आज के 10 प्रश्न और उसके उत्तर। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे ताकि वीडियो में ही आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। भारत और खालिस्तान देश के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्धाभ्यास शुरू हुआ है। इंडोनेशिया टीएन सेशन का निधन को हुआ, वह 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। 10 नवंबर 2019 देश ने शून्य कार्बन कानून का लक्ष्य बनाया है। खाली जगह पे होगा न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। लवनीता देव सेन का संबंध लेखक है। फार्मित्र ऐप द्वारा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? बजाज एलायंस के द्वारा। G20 देशों के छठे संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? टोक्यो में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ओली की उपाधि दी गई है? मेरी कॉम। नवा प्रश्न है द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। बिहार का प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला मुख्यतः इनमें से क्या है? पशु मेला है। अब एक बार जिन प्रश्नों को हम लोगों ने ऊपर सॉल्व करा, रिवाइज करा, उसको आप टेस्ट करके देखो कि आपको कितने प्रश्न याद हुए। आउट ऑफ 10 आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा पहला प्रश्न है भारत और खाली जगह है देश के बीच समुद्र शक्ति नौसैनिक युद्धाभ्यास आरंभ हुआ। ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया या डी मलेशिया। दूसरा है टीएन सेशन का निधन खाली स्थान को हुआ, वह 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। 10 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019, 11 नवंबर 2019 या 8 नवंबर 2019। अगला है तीसरा प्रश्न खाली स्थान है देश ने शून्य कार्बन कानून का लक्ष्य बनाया है, इसमें से किस देश ने? भारत ने, न्यूजीलैंड ने, कनाडा ने या चीन ने? चौथा प्रश्न राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस खाली स्थान मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर या 7 नवंबर। पांचवा प्रश्न नवनीता देव सेन का संबंध किस क्षेत्र से था? ए पत्रकारिता, बी लेखक, सी फिल्मकार या डी राजनीति। छठा प्रश्न फार्मित्र ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? जियो, टाटा, इंफोसिस या बजाज एलायंस। सातवां प्रश्न G20 देशों के छठे संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए टोक्यो, बी दिल्ली, सी न्यूयॉर्क या डी इस्लामाबाद। आठवां प्रश्न किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ओली की उपाधि दी गई है? पीवी सिंधु, दुति चंद्र, मेरी कॉम या फिर सानिया मिर्जा।
नौवां प्रश्न, द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। दसवां प्रश्न, बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला मुख्यतः इनमें से क्या है? ए पशु मेला, बी पक्षी मेला, सी छठ मेला या डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व करा।